हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके गार्डन को कैसे आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं और कौन से थिंग्स आपको ऐड करने हैं अपने गार्डन में, जिससे कि आपके गार्डन बहुत अच्छा दिखेगा, डेकोरेटिव दिखेगा और फिर वो आपका प्लांट्स बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, जो आपके जो भी फ्लावर प्लांट्स होते हैं, आपको अपने गार्डन में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं, हिबिस्कस, रोज, वो फ्लावरिंग प्लांट्स आपको अपने गार्डन में ऐड करने चाहिए। तो पहला पॉइंट, ऐड फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। आपको अपने गार्डन में जो भी आपके पॉट्स होते हैं, उसे कुछ तरह थोड़ा से डेकोरेटिव बनाना चाहिए और उसे टाइम टू टाइम आपको कलर भी करना चाहिए और बहुत अच्छे से उसको कलर और पेंटिंग भी आपको अपनी कलाकृति दिखाती रहनी चाहिए। और आपके जो भी पॉट्स को फंगस वगैरह लगता है तो उसको साफ करके आप गेरू भी मंगा सकते हैं मार्केट से और फिर उसे अपने पॉट्स पे पेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, ऐड आपको अपने गार्डन में जो भी होते हैं वहां पे हैंगिंग बास्केट्स आपको ऐड कर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी वर्टिकल स्पेस होती है वो आप अच्छे से उसे यूज कर सकते हैं और वो उसमें जो भी हैंगिंग बास्केट्स होंगे उसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट्स यूज करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि बहुत वो डेकोरेटिव दिखते है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि आपके जो भी आर्टिफिशियल ग्रास होती है ऑनलाइन, फिर आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने गार्डन में डेकोरेटिव बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ से टेंथ पॉइंट पूरे मैं आपको एक साथ बता देता हूं, चलिए फिर मैं बताता हूं जल्दी जल्दी। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। आपको अपने जो भी आपका गार्डन है उसमें आपको वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट के पौधे होते हैं वो आपके प्लांट्स में आपको जरूर अपने गार्डन में वो लगाने चाहिए। और सिक्स पॉइंट है कि आपके यहाँ पे जो भी ऊपर मल्चिंग, एज आप मल्चिंग कर सकते हैं प्लांट के, जो भी डेकोरेटिव अगर स्टोन्स वगैरह आते हैं मार्केट में, वो भी आप अपने फर्स्ट लेयर में इस तरह अच्छे से बिछा के उसे डेकोरेट कर सकते हैं। और सेवन पॉइंट है कि आपके जो भी एक तरह के दिखने वाले पौधे, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसा मनी प्लांट है तो मनी प्लांट के 10 पौधे अगर आप लाइन में रखेंगे तो वो बहुत अच्छे दिखने में दिखते हैं। और फिर एथ पॉइंट है कि आपको वर्टिकल गार्डनिंग करनी चाहिए, जो भी कैन वगैरह बॉटल्स होते हैं उसे पेंट करके आपको जो भी आपकी वॉल की जो भी वर्टिकल स्पेस होती है बाहर, उसे आपको यूज करना चाहिए। और जो भी, और नाइन्थ पॉइंट है कि वाटर आपको कहीं भी रुकने नहीं देना है, नहीं तो जमा नहीं होने देना है, क्योंकि आपके गार्डन में अगर थोड़े से भी जमीन पे फंगस होता है तो फिर वो बहुत खराब दिखने लगता है। टेंथ पॉइंट है कि प्लांट्स जो भी रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, जैसे हिबिस्कस, रोज के जो भी रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो अट्रैक्टिव तो दिखते ही है और उसमें फोकल पॉइंट आपको एंट्रेंस में रेड कलर के फ्लावर्स के जो भी आपके एंट्रेंस है वहां पर आपको कंटेनर्स में रेड कलर के फ्लावर्स जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने चाहिए। साइंटिफिक रीजन की बात करें तो रेड कलर जो होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, तो वो हमें वेवलेंथ ज्यादा होती है तो हमें दूर से भी रेड कलर जल्दी नजर आ जाता है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है अगर हमारे एंट्रेंस पे होगा तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने इंस्टाग्राम का ग्रुप खोला है तो वो वहां आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और टेलीग्राम का भी ग्रुप है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो वहां पे आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।